हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा, और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मूंग की एक वैरायटी के बारे में, और उस वैरायटी का नाम पीडीएम 139 मूंग है। जो कि इस वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, इसकी पैदावार कितनी होती है, इसकी कीमत क्या है, सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कहते संबंध में नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसमें ना तो किसी भी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं और ना ही किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को एक सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे मूंग की एक वैरायटी के बारे में, जो कि पीडीएम 139 है, जो कि ये एक्सलेंट कंपनी की ये वैरायटी है। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि लगभग 50 से 60 दिन की होती है। इस वैरायटी का जो दाना है वो काफ़ी चमकदार और हरा होता है। ये वैरायटी पीला मोजक वायरस के प्रतिरोधी किस्म है। और इस वैरायटी की जो फलियाँ हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, और प्रत फलियों में दानों की संख्या भी अधिक होती है। बात करें कि जब भी हम इसकी बुआई करते हैं तो इसकी बीज दर कितनी लगती है, तो इसकी एक एकड़ खेत की बुआई के लिए लगभग 7 से 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी उत्पादन की, इसका उत्पादन कितना हो जाता है, इसकी पैदावार कितनी होती है, तो इसकी पैदावार आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर और लगाने के स्थान पर निर्भर करती है कि ये इसकी पैदावार कितनी होती है। एक एवरेज इसकी पैदावार लगभग 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी पैदावार हो जाती है। बात करें कि इस वैरायटी को हम कब लगा सकते हैं, तो इस वैरायटी को आप मार्च से लेकर अप्रैल के महीने तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। इसकी किस प्रकार की मिट्टियों में बुआई कर सकते हैं, इस वैरायटी को आप सभी प्रकार की मिट्टियों में बो सकते हैं, जैसे कि दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। और भारत के सभी राज्यों में और सभी स्थानों पर आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है, रेटें बढ़ती भी रहती हैं। एक एवरेज इसकी कीमत ये आपको मार्केट में 180 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। तो ये रही मूंग की पीडीएम 139 हाइब्रिड वैरायटी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।